हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह से ही पेरिस ओलंपिक का एक बॉक्सिंग मैच बहुत चर्चा में है। ये बॉक्सिंग मैच इटली की एक खिलाड़ी और अल्जीरिया की एक खिलाड़ी के बीच में हो रहा था। दोनों ही मैच महिला खिलाड़ियों के बीच प्रस्तावित था। 66 kg के इस मैच में 46 सेकेंड के बाद एक ऐसा ड्रामा शुरू हुआ कि एक तरफा एक खिलाड़ी को विजयी घोषित कर दिया गया। दरअसल इटली की जो खिलाड़ी इसमें फाइट कर रही थी या बॉक्सिंग में जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने 40 सेकंड के बाद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये कहा कि जो मैच मेरा कराया जा रहा है ये खिलाड़ी महिला नहीं है, ये पुरुष है। उसके फेस को देखकर, उसके जो मसल्स पावर हैं, जिस हिसाब से उसने उसके मुंह पे मुक्का मारा, उसको लगा कि 100% है कि ये पुरुष खिलाड़ी है, महिला नहीं हो सकती। इसी विवाद को लेकर वो रो पड़ी और उन्होंने मैच छोड़ दिया। इसके बदले में जो है वो अल्जीरिया की जो खिलाड़ी थी उनको विजयी घोषित कर दिया गया। और इसके बाद पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में एक बवाल सा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इटली की प्रधानमंत्री, सब लोग अलग अलग, कोई ओलंपिक कमेटी को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है, कोई इसको जो ऑर्गेनाइजर थे वो, कोई रेफरी को बता रहा है, सब अपनी अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं। लेकिन किसी ने इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास नहीं किया। बहुत ही जल्दी और तत्परता के साथ बयान मीडिया, सोशल मीडिया में आए। दरअसल ये जो खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, अल्जीरिया की जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम इमान खलीफ है और ये बायोलॉजिकली मेल हैं, ऐसा दावा किया गया है। देखिए इनका फेस आप एक बार देखिएगा अच्छे तरीके से, तो इनका फेस कुछ मेल जैसे ही लगता है, लेकिन ये मेल है नहीं। एक्चुअल में कुछ लोगों के यहाँ आपको देखा होगा कि हार्मोन्स का अप्स एंड डाउन्स जब होता है, ठीक है, महिला और पुरुष में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण महिला और पुरुष का जो है वो डिवाइडेशन होता है। तो टेस्ट्रोजोन और एस्ट्रोजन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं और इन्हीं हार्मोन्स के अप्स एंड डाउन की वजह से मेल फीमेल का करेक्टर जो है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों में आपको देखा होगा कि पुरुष होते हुए भी महिलाओं जैसे सिम्टम्स होते हैं, और वो कई केसेस ऐसे आए होंगे दुनिया में कि पुरुष था, उसने अपना कन्वर्जन करा लिया और वो महिला बन गया, कोई महिला थी उसने कन्वर्जन करा लिया और वो पुरुष बन गया। इस तरीके की घटनाएं आपने लगातार पूरे वर्ल्ड में देखी होंगी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। एक दो घटना इंडिया में भी हुई है। राजस्थान के अंदर एक घटना ऐसी हुई थी, भरतपुर के अंदर, जहां एक ही स्कूल के अंदर जो है वो शादी कर ली थी लोगों ने जेंडर चेंज करा के, ठीक है। ऐसा इन हार्मोन्स के अप्स एंड डाउन्स की वजह से होता है कि अगर पुरुष हार्मोन्स महिला में आ जाते हैं तो महिला में जो है उसको इंटरनली ऐसा फील होता है कि वो पुरुष है, उसमें महिलाओं जैसी फीलिंग नहीं होती है। सेम चीज जो है वो आपकी पुरुषों के साथ होती है। और इस प्रतिक्रिया में यही एक सच्चाई है कि जो इमाम खलीफ हैं, ये जो है वो बायोलॉजिकली महिला ही हैं, लेकिन इसमें पुरुष हार्मोन्स की जो संख्या है वो ज्यादा है। हालांकि इस पर भी ओलंपिक के नियम हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनके नियम हैं, उससे लेबल हार्मोन्स का अगर ज्यादा होता है तो फिर उस खिलाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इनमें जो सिम्टम्स थे वो कम थे, लेकिन इनका फेस, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इसलिए पुरुष जैसी दिखाई देती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बायोलॉजिकली पुरुष जो है वो थोड़े से पावरफुल होते हैं, उनके मसल्स जो है ज्यादा पावरफुल होती हैं कंपैरेटिवली महिलाओं के। इसलिए जब मुक्का उनके मुंह पे पड़ा तो उनको लगा कि ये पुरुष ही है, महिला नहीं हो सकती, और एक ही मुक्के के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 40 सेकंड तक ये गेम चला और उसके बाद ये पूरा ड्रामा हो गया। हालांकि ओलंपिक कमेटी ने इस पर सफाई दी है कि ये पूरी तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल गेम्स के, ओलंपिक के, वो रूल्स को फॉलो करते हैं और इनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो तय लिमिट के अंदर ही हैं। भले इनका चेहरा जो है वो एक तरीके से पुरुषों जैसा दिखता हो, लेकिन ये महिला ही हैं, इस पर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप हैं, हालांकि खिलाड़ी इटली की थी, तो इटली की जो सरकार है वहां की प्राइम मिनिस्टर और भी कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने इस पर तुरंत आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज हुई तो पूरी मीडिया में बवाल हुआ कि ऐसा कैसे कर दिया, ओलंपिक के अंदर इतना बड़ा गेम है। और उसके बाद ओलंपिक कमेटी ने जो है सफाई दी है। तो अभी तो सब लोगों की चुप्पी इसी बात पर है कि इस पर किसी ने भी इसको अच्छी तरीके से नहीं देखा और मीडिया, सोशल मीडिया में खूब वीडियोस बनाने लगे कि ये ओलंपिक के अंदर ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये इस वीडियो की जो सच्चाई थी, इस घटना की सच्चाई थी कि ये जो खिलाड़ी हैं ये फीमेल ही हैं, लेकिन इनमें कुछ हार्मोन्स की वजह से जो है इनका चेहरा मेल की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन ये फीमेल ही हैं, इसीलिए इनको फीमेल कैटेगरी के साथ 66 kg
खिलाड़ियों की कैटेगरी में इनको जो है वो फाइट कराई गई है। तो इस घटना की सच्चाई थी ये। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।